जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोह के गांव ब्रीमा में 3 नवंबर की रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक अज्ञात व्यक्ति की तरफ से एक किसान जो आलू का व्यापारी भी है उसके घर पर शरेआम फायरिंग की गई। फायरिंग की यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 7 सेकंड की इस सीसीटीवी फुटेज में उक्त व्यक्ति गेट की तरफ गोलियां चला रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। मेरे मतलब घर के आगे 3 तरीक रात सवा 10:20 के करीब आवाज़ आई जिदा बंब चले होंगे ने। मैं तुरंत उठ के जो कैमरा मूहरे देखा तो मैं कोई बंदा दिखा नहीं, तो फिर मैं सोच के नहीं पै गया भी चलो गुरपर्व के दिन चलते हैं, दिवाली के किसी ने पटाके चलाए होने दरवाजे अगे। अगले दिन भी मैं मतलब बेगौरी रखी, मैंने ध्यान दिता। मैं 2 बजे के करीब मैं इतने अपने गेट को खड़ा सी, गेट के मैं निशान देखे मैं जिदा कहने फायर किया होंगे, तो उपरंत मैं अपनी वाइफ को कहा भी जो इतने मतलब झाड़ू किया वो मतलब कितने कूड़ा, कूड़े के मैं देखा तो मैं 4 फायर लगे, तो नाल दी नाल मैं कैमरे बैक करके देखे भी रात मतलब की होया एग्जैक्टली। तो वो देखा मैं एक बंदा मेरे बार अगे खड़ के फायर करके गया पिस्टल दे नाल, ते मैं प्रशासन तो ये मंग करदा मैनू इंसाफ दवाया जाए क्योंकि मेरी किसी ना कोई रंजिश नहीं, किसी नाल मेरा कोई पैसे का लेना देना नहीं। ये किने किया है मतलब जां किने कराया किसी तो क्यों कराया, मेरी बेनती है पुलिस प्रशासन को सारिआं नू बेनती है कि मैनू ये चीज़ इंसाफ दिता जाए क्योंकि मेरे बच्चे इत्थे रहिंदे ने, मेरे बच्चे सहमे हुए ने, मेरा परिवार सहमया हुआ इस टाइम। कोई गल सामने आई है जी कि रात के 10:30 के करीब किसी अनजाण बंदे वालों गोलियां चलाईयां गईयां ने, उस बंदे भी परचा दर्ज किया गया है जी, तो दोषी दी पाई जा रही। फतेहगढ़ साहिब से पंजाबी सरगर्मियों के लिए बहादुर सिंह टवाणा की रिपोर्ट।